ਸਸ਼ੀਕਾ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। गल कर लिए सिक्ख्या जा फिर स्कूलों की तो असी अज मौजूद हाँ रियलिटी चैक करन दे लई कि किन्नी क सच्चाई आ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के वादियां ते दावियां दे विच पहुंचे हाँ दिल्ली के स्कूल। तो स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ स्पैशलाइज्ड एक्सीलेंस। तो दिल्ली के द्वारका दे विच मौजूद आ स्कूल स्कूल ऑफ स्पैशलाइज्ड एक्सीलेंस। गलबात करांगे चैक करांगे कि जिहड़े वादे जिहड़े आ ओ कीते जा रहे ने आम आदमी पार्टी वालों की ओ उना दे विच किन्नी क सच्चाई आ। स्कूल दे अंदर असी मौजूद हाँ चैक कर लिए एंट्रेंस दे विच देखिया कि स्कूल जिहड़ा आ ओ किसी भी प्राइवेट स्कूल दा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुंदा आ जां बिल्डिंग हुंदी आ उहनूं किते ना किते मात दिंदा दिखाई दे रहा है। गल कर लिए एंट्रेंस दी जिहड़ी आ पार्किंग ते ग्राउंड दी बहुत ही ज़्यादा वधिया लग रही है ते फुल बूटे जिहड़े लगाए गए ने। सो होर गलबात करदे आ अंदर जाने आ की हैगा की फैसिलिटीज़ दित्तियां गईयां ने सरकार वल्लों इस स्कूल दे विच ते खास की है सब तो ज़्यादा इस स्कूल दे विच। सो स्कूल दे अंदर असीं एंटर कर चुके हाँ ते सब तो पहला स्कूल दे प्रिंसीपल साहब दे नाल गल करांगे कि स्कूल ऑफ स्पैशलाइज्ड एक्सीलेंस की आ की इहदा मीनिंग आ ते किस तरीके नाल उहनां वल्लों इस स्कूल नूं संभालिया जा रहा। सो रियलिटी चैक करन दे लई सब तो पहला असीं प्रिंसीपल साहब दे रूम दे विच आ चुके हाँ। सत श्री अकाल सर। सर सकरोल पंजाब वल्लों टीम वालों चैकिंग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल वालों जो वादे ते दावे किए जाते हैं कि दिल्ली मॉडल की तरज से पंजाब दे विच भी जिहड़ी सिक्ख्या आ ओह स्कूलों दे विच दित्ती जाएगी। सो रियलिटी चैक करने के लिए असी गलबात करना चाहते हैं तुहाडे नाल। सकरोल पंजाब से स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले आप हमें बताएं कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है क्या? ममता जी, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ये 9th ऑनवर्ड्स बच्चों के पढ़ाई के लिए जिनमें जिनका इंटरेस्ट हो उस इंटरेस्ट के हिसाब से चार तरह के स्कूल नए बनाए गए हैं। जैसे जहां आप हो इस ये स्कूल है स्पेशलाइज्ड है ये परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स में यानी म्यूजिक और उससे अफिलिएटेड जो बातें होती हैं और विजुअल आर्ट्स में ड्राइंग पेंटिंग एट्सेट्रा ये उसके लिए स्पेशलाइज्ड है। ऐसे ही दूसरे स्कूल भी खोले गए हैं जैसे एक का नाम स्टेम रखा गया है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ यानी उसमें IIT में जाने के लिए बच्चे को मेडिकल में जाने के लिए बच्चे को वहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है जिस बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है उसको वो स्कूल ऑफर किए जा रहे हैं। तीसरा खोला गया हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल स्कूल्स वहाँ पर जो बच्चे डाटा प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं जो कोडिंग में जाना चाहते हैं डिकोडिंग में जाना चाहते हैं ये उन बच्चों के लिए वहाँ एडमिशन दिया जा रहा है। और अगला खोला गया स्पेशलाइज्ड फॉर ह्यूमैनिटीज उनका नाम रखा गया है वहाँ पर जो बच्चे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जज बनना चाहते हैं IAS में जाना चाहते हैं उनके लिए वो स्कूल खोले गए हैं। तो इस तरह से कुल 20 स्कूल इस सेशन में रन कर रहे हैं। स्कूल का रियलिटी चेक कर रहे हैं तो क्लास 9th दे अगे असी खड़े हाँ अंदर जाके चेक कर दें कि किस तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो किस तरीके का मैथड जो यूज़ किया जा रहा। कौन सी क्लास और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ओके, दिस इज़ क्लास 9A एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट एंड स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन हाउस इज़ नॉट अ होम टॉपिक एंड दे आर गिविंग अ स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग what they have learnt or what they know or what is the basic difference between a house and a home. बच्चे जो हैं क्लासरूम में कुछ प्रेजेंटेशंस दे रहे थे जब हमने एंटर करा एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे प्रेजेंटेशन वो दे रहे थे।
Good morning, everyone. I am Sneha from SUSE PVA Dwarka Sector 19. And today I'm gonna present a talk. Today we are gonna present a little about house and a home. The difference between a house and a home. And basically, a house is made up of bricks, cement, and the things that is needed like window, doors, and all that. कई सारिया क्लासेस दे विच असीं गलबात भी कीती आ ते बहुत ज़्यादा वधिया जिहड़ा लग रहा पाया इहदा लग रहा हैगा कि सिर्फ ना दा ही नहीं सिर्फ शो ऑफ ही नहीं किया जा रहा बल्कि चीज़ा जिहड़ियां आ प्रैक्टिकल बेस से करवाइया भी जा रही प्रिंसीपल सर भी साडे नाल मौजूद आ कल्ली कल्ली क्लास दे विच असीं चैक कर रहे हैं जाके कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा बच्चों नूं सिखाया जा रहा इस बेसिकली मैं आज इनको लेसन दे रहा था ये सितार के बारे में क्योंकि हमारे पास विद इन 2-3 डेज इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं सितार के तो देन सर वेरी वेरी सो म्यूजिक दी क्लास दे विच बच्चों नूं पहला बहुत ही ज़्यादा डीपली दस्या जाता है कि जिहड़ा भी इंस्ट्रूमेंट है तुसी किस तरीके नाल उन्हूं प्ले करना है सो उहदे नाल नाल जिहड़ा देख रहे हैं कि किस तरीके नाल बच्चे जिहड़े आ परफॉर्म करदे आ सिखण तों बाद विच सो असी चैक किया कि किस तरीके दे नाल जड़ा ओ टीचर वालों बच्चों नू एक कल्ले कल्ले बच्चे दे उते पूरी तरह ध्यान देंदे होए किस तरीके दे नाल बच्चों नू जड़ा इंस्ट्रूमेंट आ जिहड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हुंदे उन्हां नू सिखाया जा रहा है होर चैक करदे आ एक राष्ट्रीय आविष्कार जिहड़ा हैगा उहदी क्लास भी लगाई जाती है आविष्कार जिहड़े यंत्र कह सकते हैं कि बनाए जाते हैं उस क्लास रूम दे विच असीं देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ां जिहड़ियां बच्चों वालों बनाई गई हैं इस नाल ही गलबात करते हैं क्लास इंचार्ज दे नाल सचकार नमस्कार क्या है इस क्लास में क्या अलग से सिखाया जाता है बच्चों को ये जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान लैब है एक्चुअली स्कूल लेवल पर ही एक्सपोजर किया जाता है बच्चों को जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं टूल्स हैं इस तरफ अगर हम देखें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं ये जिसमें यहाँ पर ऑसिलोस्कोप है मल्टीमीटर है यहाँ पर ब्रेडबोर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए फिर हम अगर मैकेनिकल जोन की बात करें यहाँ ड्रिलिंग मशीन है हमारे पास एयर ब्लोअर है और ये जो है ये मिनी सर, ये सब बच्चों की तरफ से बनाया गया है अभी तो ये सरकार ने दिया ये MHRD का प्रोजेक्ट है विद कोलैबोरेशन IIT कानपुर मतलब तो, सरकार ने ये चीज़ें आपको उपलब्ध कर दी हैं तो अब जो हैं सेम चीज़ें जो हैं या फिर इनसे बढ़कर भी हैं बच्चों को बनाने को सिखाई जाएंगी जी बिल्कुल इसमें जो मॉडल्स रहेंगे वो बच्चे बनाएंगे जैसे ये रोबोटिक भी है कंपोनेंट्स है हमारे पास इसमें ब्रेन दिया गया है इसको असेंबल करना है पार्ट्स हमें दिए गए हैं तो बच्चे प्रोग्रामिंग करेंगे सेंसर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे अपने मॉडल्स बना सकते हैं ये एक चीज दिखाई दे रही है ये क्या है सर ये 3D प्रिंटर है इसमें फिलामेंट लगता है पॉलीलैक्टिक एसिड क्या इसमें हमारे पास एक सैंपल भी है जो हमने अपने HOS के लिए बनाया था नेम प्लेट है ये 3D प्रिंटर से बनाया गया है तो इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग के थ्रू फिर इसको प्रिंट किया जाता है तो ये बच्चे भी कर सकते हैं एक बार सीखने के बाद बच्चे भी ऐसा कर पाएंगे कुछ भी डिज़ाइन वो बना सकते हैं और 3D प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं सो सिक्ख्या जी है एक नॉर्मल तरीके दे नाल ही नहीं कि सिर्फ किताबा पढ़ लिया तो 10वीं या 12वीं क्लास तक बच्चा चला गया वो अलग तरीके की जी डिवेलपमेंट आ कह सकते हैं वो देखने मिली एक स्कूल दे विच होर भी चैक करते हैं सो स्कूल का जिहड़ा विजुअल आ तुसीं देख रहे हो कि कितना ज़्यादा सोहना बनाया गया है ग्रीनरी पूरी तरह डेकोरेट किया गया है इस दे नाल ही जिहड़ा कई तरह के पेंटिंग्स दे नाल स्कूल नूं सजाया गया है खास गल ये है कि पेंटिंग्स जिहड़ी आपां देख रहे हैं बनी हुई ये सिर्फ पेंटरां नूं बुला के जिहड़ी पेंटिंग नहीं की गई बल्कि एक बच्चों द्वारा ही तैयार किए गए ये सारे काम आ तो कितने ना कितने एक खुशी की गल आ कि बच्चों के विच जिहड़ा आर्ट आ जां कह लईए कि जिहड़ी कला आ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਂਡ ਆਰਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕੇ
ते मेहनत करके कई तरह दी पेंटिंग्स जिहड़ियां बहुत ही ज़्यादा सोहनिया पेंटिंग्स जिहड़ियां बनाईया गई ने। टीचर दे नाल गलबात करांगे ते नाल बच्चों दे नाल भी गलबात करांगे। सति श्री अकाल। की करवाने की वखरा है इस आर्ट दे विच? बेसिकली यहाँ पर हम बच्चों को जो उनके सब्जेक्ट जिनको अभी तक हम मिसलेनियस सब्जेक्ट्स मानते थे, तो ये वो बच्चे हैं जो दिल्ली के बहुत दूर दूर से, इसमें कुछ बच्चे बदरपुर बॉर्डर से आ रहे हैं, कुछ छतरपुर से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चे डेली डेढ़ दो घंटे की ट्रैवल करते हैं स्पेशली फॉर दीज क्लासेस। यहाँ पे हम बेसिकली 2 आवर्स इनको विजुअल आर्ट बेसिकली कराते हैं, जो कि इनका पैशन आर्ट की क्लास है। हाँ। तो मैं सबसे पहले एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी नजरों में, मतलब आपके अनुसार आर्ट क्या है? आर्ट बेसिकली एक एक्सप्रेशन का तरीका है, ठीक है। आप किसी भी आर्ट, किसी भी चीज़ में आप आर्ट देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे प्लांट्स नज़र आते हैं, आप घर में बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं। आर्ट मीन्स वे ऑफ लाइफ है कि आप कोई भी काम, किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत पैशंस के साथ कर सकते हो तो वो आर्ट है। और हमारे आसपास हर जगह आर्ट है, चाहे आप बुक कवर्स देख लीजिए, चाहे आप इन बेंचेस की टेक्निक्स में देख लीजिए, हर जगह आर्ट है। किसी बिल्डिंग में देख लीजिए, प्लांट्स को रखने के तरीके में देख लीजिए, हर जगह ही आर्ट है। तो ये बच्चे हैं जो स्पेशली विजुअल आर्ट के लिए बहुत पैशन था इनका, और गवर्नमेंट ने इनके लिए स्टार्ट किया है नया कि इनके पैशन को स्पेशली मॉडिफाई करने के लिए इनको एक रास्ता दिखाने के लिए। इससे पहले भी आपने आर्ट्स क्लासेस ली होंगी? Yes. किसी और स्कूल में ली हैं, इसी से स्टार्ट करा है, जहाँ क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले हमें मुश्किल से वीक में 2 पीरियड मिलते थे आर्ट्स के लिए, तो उसमें ये होता था कि जब सेकेंड वीक आता था बहुत सारे बच्चे वो भूल चुके होते थे जो लास्ट वीक में करा गया। अब ये डेली 2 घंटे आर्ट्स कर रहे हैं ये बच्चे, जो कि इनकी लाइफ का पैशन है, और प्लस एक कंटिन्यूटी होने की वजह से। किद्दा दा लगदा कि जे बच्चे इहदे उत्ते गौर दिंदे आ तां की उहनां दा अगे किद्दा दा फ्यूचर हो सकदा है? फ्यूचर तो ये है कि इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्रीलांस आर्टिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे फैशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ हैं जो डायरेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, फिल्म डायरेक्शन की तरफ। तो बेसिकली दे आर लर्निंग यार के आर्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट और क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली हम इनकी एस्थेटिक सेंस को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं कि आर्ट्स में से बहुत सी फील्ड जो हैं वो उसमें जो है बच्चों की तरफ से फ्यूचर बनाया जा सकता है। Yes. क्योंकि आज के अगर हम टाइम की बात करें, आप टीचर हैं, एक टीचर की तरफ से जब बच्चा पढ़ के जाता है तो मतलब स्कूल टाइमिंग के बाद, कॉलेज उसके बाद जो है वो बहुत सी डिफ़िकल्टीज जो हैं वो एक बच्चे को आती हैं जॉब लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्किल्स जो अलग, टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें, वो स्किल्स वाले बच्चे को तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान रहता है जॉब करना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पर नॉर्मल जो बच्चा पढ़ाई कर लेता है उसके लिए कहीं ना कहीं जो बहुत मुश्किल आती है, तो उसके बाद यही रीज़न है कि जैसे कि आप आजकल, आपको पता है कि बहुत ज़माना चल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये जो बच्चे हैं स्पेशली ये अपने लिए ही करियर क्रिएट नहीं करेंगे, ये आगे बहुत सारे लोगों के लिए करियर क्रिएट करने का भी काम करेंगे। और प्लस आगे जिस तरह का हमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ टाई अप्स हैं, जो इन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए और करियर काउंसलिंग करने के लिए भी। तो सरकार की तरफ से क्या कैसा आपको हेल्प कर रही है? हमें बाहर से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिल रही है, और स्पेशली फर्नीचर है या जो मटेरियल है वो आप देख ही रहे हैं, जैसा कि मतलब मटेरियल जो है या फिर किसी अलग एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है वो आपको सरकार की तरफ से मिल रही है, और प्लस इन बच्चों को स्पेशली आर्ट मटेरियल भी जो है वो सब इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। इनको स्पेशली बहुत अच्छी आर्ट किट्स मिली हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि सेशन के शुरू में दे दी तो ख़त्म हो गया, इनको semester 1 में पूरा एक आर्ट किट मिला, और अब सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी इनको आर्ट किट मिला है। ये हर बच्चे का पर्सनलाइज्ड आर्ट किट है जो बच्चों से बातचीत करी हमने। खास चीज़ सिर्फ यही नहीं कि आर्ट पढ़ाया जा रहा है, बच्चों के आर्ट को तराशने के साथ साथ जो है वो उनको प्रॉपर जो है किट दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो खास चीज़ ये भी है कि कई बार बच्चे में टैलेंट होता है पर बहुत सी मजबूरियों की वजह से उनको जो है वो अपने आर्ट को उस हद तक निखार नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं जो हैं वो नहीं होती। तो हम चेक कर रहे हैं एक जो किट इसमें दी गई है, ये सरकार की तरफ से जो है कह सकते हैं कि बच्चों को मतलब ऐसी चीज़ है, ये नहीं कि फ्री ये दे दो फ्री वो दे दो, बच्चों की चीज़ें जो हैं ये सबसे कह सकते हैं कि सरकार का सबसे अच्छा तोहफा
ज़िंदगी का सबसे अच्छा तोहफा जो है वो सरकार की तरफ से हमने देखा कि दिया जा रहा है बच्चों को, जिससे कि इनका भविष्य जो है वो संवरने के साथ साथ इनके परिवार का भविष्य भी संवरेगा।